भारतीय संस्कृति का हृदय स्थल और देश का विशालतम प्रदेश उत्तर प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से और उनके कुशल नेतृत्व में। आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जिस गति से विकास हो रहा है, ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से 1524 करोड़ रुपए की लागत से एक नई परियोजना बनकर तैयार है। पेट्रोलियम उत्पाद के सुचारू परिवहन के लिए 356 किलोमीटर लंबी बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी से पनकी तक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन सुरक्षित और आसान तरीके से किया जा सकेगा। इस परियोजना का लाभ पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड को मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से ईंधन के परिवहन से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पनकी डिपो से कानपुर और लखनऊ जिले के आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी और साथ ही रेल साइडिंग सुविधा होने से उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, बैतालपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, आंवला और बिहार के मुजफ्फरपुर तक रेल द्वारा उत्पादों की आपूर्ति हो सकेगी। इस परियोजना के निर्माण के दौरान लोगों को लगभग 7 लाख श्रम दिवस के रोजगार प्राप्त हुए और परियोजना आरंभ होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस पाइपलाइन के 11 सेक्शन वाल्व स्टेशन को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कानपुर स्थित पनकी डिपो में पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण के लिए अतिरिक्त टैंकेज का निर्माण किया गया है। अब इस डिपो में संग्रहण क्षमता लगभग 2 लाख किलोलीटर हो गई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना का राष्ट्र को समर्पण हो रहा है। इन परियोजनाओं के आरंभ होने से उत्तर प्रदेश की प्रगति में और गति आएगी।